आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोबल, तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। आप लोग बैठिए, मेरा ख्याल है कि शायद आप वापस जल्दी नहीं लौट सकेंगे। मैं आपके खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी दादी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पहली दौर की म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और प्रोड्यूसर थी। उनके वालिद भी एक बहुत मशहूर प्रोड्यूसर थे। उनकी बुआ हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत मशहूर हीरोइन थी, और उनके चाचा वो भी बहुत मशहूर कैरेक्टर एक्टर थे। वो कहती हैं, इतना ज़बरदस्त फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद मुझे वो मकाम नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, और वो हैं The beautiful, elegant, ज़हदा। एक ऐसा ही यकीन मुझे उस इंसान के मरने पे हुआ था, जिसके खून के एक छींटे से मेरी मांग भर गई थी, और जिसकी मौत ने ही मुझे सुहागन बनाया था। आज तो अपने पति से बिछड़ तो गई है, लेकिन लेके से तूने ब्याह किया है। अब तू अपने इरादे पर अटल रह, मैं तुझसे वादा करती हूँ, अपनी जान पर खेलकर तेरी हिफाजत और मदद करूंगी। 9 अक्टूबर 1944 में पैदा हुई थी ज़हदा मुंबई में, और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि उनकी दादी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहले दौर की म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और प्रोड्यूसर थी, और उनका नाम था जद्दन बाई। उनके वालिद का नाम था अख्तर हुसैन, और वो भी बहुत मशहूर प्रोड्यूसर थे। ज़हदा की माँ का नाम था इकबाल बेगम, और वो एक हाउस वाइफ थी। ज़हदा के 4 भाई और 3 बहनें थीं। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ज़हदा की बुआ हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, और उनका नाम था नरगिस। दोस्तों, ज़हदा के चाचा भी एक मशहूर कैरेक्टर एक्टर थे, और उनका नाम था अनवर हुसैन। और दोस्तों, ज़हदा संजय दत्त की फर्स्ट कज़न है। ज़हदा के ख़ानदान के ज़्यादातर लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो ज़ाहिर है कि ज़हदा को भी बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। वो भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उनके वालिद अख्तर हुसैन प्रोड्यूसर थे, इसलिए उनके घर पे डायरेक्टर्स का आना जाना रहता था। और जब ज़हदा बड़ी हुई तो उन्हें अपनी पहली फिल्म बड़ी आसानी से मिल गई, बहसित हीरोइन। 1968 में फिल्म का नाम था अनोखी रात, और उसमें हीरो थे संजीव कुमार यानी हरी भाई। ये मौका तुमने क्यों खोया? ये बेवकूफी तुमने क्यों की? जो एक की नजर में बेवकूफी है, वो दूसरे की नजर में अक्लमंदी हो सकती है। अपना अपना विचार है, अपने अपने उसूल। ज़हदा अपनी बुआ नरगिस को बहुत चाहती थी, और उनसे बहुत इंप्रेस थी, और अक्सर उनके साथ शूटिंग्स पे जाया करती थी। एक बार मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर देवानंद ने ज़हदा को देखा, वो बहुत इंप्रेस हुए और फौरन अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया, जो आई थी 1970 में, और उस फिल्म का नाम था प्रेम पुजारी। उसमें उन्होंने ज़हदा को सेकेंड लीड दिया था, और मेन लीड में थे देव साहब खुद और वहीदा रहमान। हॉस्पिटल के अलावा आप कहीं और जाना चाहती हैं? हॉस्पिटल? नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। ओह, तुम कौन हो? प्रेम पुजारी ज्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन देव साहब को ज़हदा का काम बहुत पसंद आया, इसलिए देव साहब ने ज़हदा को अपनी एक और फिल्म के लिए रिकमेंड कर दिया, और उस फिल्म का नाम था गैम्बलर, जो आई थी 1971 में। मसलन जुआ बाजी और पत्ते लगाना तुम्हारा पेशा रहा है। तुमने ठीक सुना। और इसी सिलसिले में तुम जेल की भी हवा खा चुके हो। ये भी तुमने ठीक सुना। और सड़कों पर तुम्हारा जन्म हुआ, और किसी अनाथ आले ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। गैम्बलर सुपर डुपर हिट हो गई, और उसी साल यानी 1971 में
दे साहब एक फिल्म प्लान कर रहे थे और उसमें वो चाहते थे कि जायदा उनकी बहन का रोल प्ले करे, लेकिन जायदा ने कहा कि नहीं, मैं ये रोल नहीं प्ले करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपकी हीरोइन बन चुकी हूँ, मैं आपकी बहन का रोल नहीं करूँगी। और बाद में वो रोल किया मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान ने और फिल्म का नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। दोस्तों, गैम्बलर की कामयाबी के बाद भी जायदा को कोई फायदा नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने दो तीन छोटी मोटी फिल्में साइन कर ली बहसियत हीरोइन, और वो फिल्म थी नीलिमा, प्रभात और तीन चोर। दीवाना तो दीवाना है, अभी ही से निपटा के आई, पेड़ के नीचे फुर्सत से फिर बातें होंगी, अभी मैं आई। पांच छह फिल्मों में काम करने के बाद जाहिदा जी को अच्छे रोल नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और शादी कर ली। उनके पति का नाम है केसरी नंदन सहाय और वो एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन है। उनके दो बच्चे हैं ब्रिजेश और नीलेश सहाय। दोस्तों, नीलेश ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था 2011 की फिल्म से और उस फिल्म का नाम था एंजल, जिसके डायरेक्टर थे मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य। लेकिन अफसोस, एंजल चली नहीं, लेकिन 2021 में नीलेश खुद एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए और उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की और उस फिल्म का नाम था स्क्वाड, और उसमें उन्होंने मशहूर एक्टर डेनी डनसोंगपा के बेटे यानी रिनजिंग को अपनी फिल्म में हीरो लिया। आज माशाल्लाह जाहिदा जी 78 की हो गई हैं, वो मुंबई में रहती है अपने फैमिली के साथ और एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।